और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, वो खबर दिखाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो फौज का एनकाउंटर है वो वहां की पुलिस ही कर देगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कुछ यही दर्शा रहे हैं, यही कह रहे हैं। और वजह साफ है, वजह है बाजवा की मनमानी जिस तरह से हो रही है, उससे खफा, उससे नाराज। और यही कारण है कि सिंध की जो पुलिस है उसके तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। उसने अल्टीमेटम दे दिया है, 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि सिंध के आईजी के साथ जो बदसलूकी हुई है उस पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो माफी मांगे। ये सरकार को भी और चीफ को भी 10 दिनों की मोहलत दी गई है कि माफी मांगे, वरना फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान में अगर आपको नजर आता है सड़कों पर कि पुलिस और फौज के बीच कुछ हिंसक झड़प हो रही है, कुछ एनकाउंटर कर सकती है, बाजवा की तानाशाही की बत्ती गुल कर सकती है। पाकिस्तान की आम आवाम और कानून को अब तक फौज ने अपनी बूटों तले कई बार रौंदा है, इस बार उसे करारा जवाब मिल सकता है। इसकी शुरुआत सिंध से हो सकती है, जहां की पुलिस ने आर्मी का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। सिंध की पुलिस में 1,28,500 जवान है, इनमें से अकेले सिंध की राजधानी कराची में 26,600 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही सिंध की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU में करीब 3,000 कमांडोज हैं। ये कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये सभी यानी 1,31,500 पुलिसकर्मी और कमांडो सिंध के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल के आदेश पर काम करते हैं। सिंध के आईजी मुश्ताक अहमद महार हैं। अगर इन्होंने फाइनल ऑर्डर दे दिया तो फिर बाजवा की गुंडा सेना की सिंध में दुर्गति हो सकती है। सिंध के आईजीपी मुश्ताक अहमद महार के साथ सोमवार को बड़ी बदसलूकी हुई थी। बाजवा के हुक्म पर सेना के लोग जबरन उनके घर में घुस गए थे। इन्होंने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के आदेश पर जबरन दस्तखत करवाए थे। नवाज के घर पहुंचे फौजी वर्दी तक में नहीं थे। इससे सिंध की पुलिस भड़क गई। अपने आईजीपी के साथ बदसलूकी पर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। आईजीपी महार के साथ ही 2 AIG, 7 DIG और 6 सीनियर SP ने लंबी छुट्टी पर जाने पर जाने का सामूहिक फैसला कर लिया। इसी सेना के खिलाफ सिंध पुलिस का खुला विद्रोह कहा जा रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई थी। सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार राज्य की पुलिस के साथ खुलकर खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने साफ कर दिया कि पुलिस का मनोबल कुचलने की फौजी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सिंध सरकार के मनाने पर पुलिस के आला अफसरों ने छुट्टी पर जाने का फैसला 10 दिन तक के लिए टाल दिया। अगर 10 दिन के भीतर बाजवा की गुंडागर्दी का हिसाब नहीं हुआ तो फिर सिंध में पुलिस और फौज के बीच आर पार के हालात बन सकते हैं। सड़कों पर टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तानी फौज के पास सिर्फ 10 दिन हैं। या तो वो तब तक सिंध की पुलिस से माफी मांग ले, या फिर बाजवा की तानाशाही की सिंध पुलिस खबर खोद डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
दरअसल पर्दे के पीछे जनरल बाजवा डैमेज कंट्रोल में अब जुटे हुए हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बात करें तो बिलावल भुट्टो से बातचीत के बाद माहौल ठंडा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सिंध सरकार और सिंध पुलिस की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई। आईजीपी से जबरन किस तरह अरेस्ट ऑर्डर पर साइन करवाना पुलिस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 10 दिन बाद सिंध पुलिस के अफसर अगले एक्शन का ऐलान कर सकते हैं, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार यहां पर करना होगा। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।